अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लब्दो, जो एक महाराष्ट्र डिश है, जिसके लिए हमने ये इस टाइप के सूखे बेर लिया है। हमने आपके पास अगर इस टाइप के मिलते नहीं हैं तो आप जो गीले बेर आते हैं उसे धूप में रख के सुखा के भी बना सकते हैं आप। तो हमने ये एक किलो, टोटल एक किलो बेर लिया है, जिसके लिए हमें आधा किलो गुड़ लगेगा। एक किलो बेर के हिसाब से हमने आधा किलो गुड़ और एक टेबलस्पून चाट मसाला और एक टेबलस्पून हमें कश्मीरी फीकी लाल मिर्ची ली है और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। सबसे पहले हम एक पानी में गुड़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे और इसको छन्नी से छान लेंगे। फिर इसका पानी ही डाल के हम फिर ये बेर को अच्छे से गलाएंगे, फिर उसे अच्छे से सुखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गुड़ को भिगा के इसका पानी छन्नी से छान लेंगे, इसे थोड़ा बॉईल होने देंगे, फिर इसे छन्नी से छान के फिर बेर में डाल देंगे। हमने एक भगोने में ये बेर को डाल दिया है और ये गुड़ को हमने अच्छे से पानी डाल के इसे पिघला लिया। अब इसे एक छन्नी की मदद से हम इसमें छान लेंगे। इस तरह से हम ये एक लीटर उतना पानी हमने डाला है इसमें। अब इसे हम ढाँक कर गलने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मिर्ची और चाट मसाला हम थोड़ा जब गलने लगेंगे तब डालेंगे इसे। इसे हमने 10 मिनट से ढक्कन ढाँक के पकने दिया और हमने चखा तो थोड़े खट्टे लग रहे हैं। ये हमारे बेर थोड़े खट्टे थे, इसलिए हम इसमें और 150 ग्राम उतना गुड़ डाल रहे हैं। अगर आपके बेर मीठे हैं तो आप चख के टेस्ट के हिसाब से गुड़ डालें। हमने इसमें 1.5 पाव और गुड़ डाला क्योंकि हमारे बेर थोड़े खट्टे थे चक्कर हमने। तो आप भी आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं। अभी हम इसमें जो हमने चाट मसाला रखा था वो डाल देंगे और जो ये मिर्ची रखी थी वो भी डाल देंगे और फिर से और ढक्कन ढक के 15 से 20 मिनट सूखने उतना से पकने देंगे। इसे हम और चखेंगे, अगर हमें लगेगा तो फिर हम इसमें और गुड़ डालेंगे और 1 टीस्पून इतना हम इसमें नमक डाल रहे हैं और 1 कप भर के हमें पानी लगेगा क्योंकि ये थोड़े चीरेदार रहते हैं, इसलिए हम इसमें और थोड़ा 1 कप इतना पानी डालें। तो चलिए इसे हम 10 से 15 मिनट ढक्कन ढक के रख देंगे। लीजिए हमारे ये लब्दो तैयार है। इसे हमने पूरा 1 घंटा लगा इसे पकने के लिए और हमने 1 किलो टोटल से 1 किलो गुड़ लगा, तो 1 किलो बेर के हिसाब से 1 किलो गुड़ डालें। अगर आप आधा किलो बेर के बना रहे तो आधा किलो गुड़ डालें क्योंकि बेर हमारे खट्टे थे। आप फिर आपके बेर के हिसाब से गुड़ चक्कर डालें। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। चलिए अल्लाह हाफिज़।